नमस्कार, मैं हूं अश्वी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। खबर है मिर्जापुर से। मिर्जापुर के गांव बेलहरा धनावल के रहने वाले लोग अवैध ब्लास्टिंग के चलते नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। इसी के संबंध में आज 23 जुलाई मंगलवार को गांव के लोग ब्रह्मा बाबा मंदिर के पास इकट्ठा हुए और जोरदार प्रदर्शन किया। उनके प्रदर्शन करने की वजह उनकी परेशानियां हैं जो वो गाँव में जूझ रहे हैं। गांव के लोगों ने प्रेस वार्ता में अपनी परेशानियों को बताया, जहां गांव में जो मनमानी तरीके से ब्लास्टिंग हो रही है उसकी वजह से उनके घरों में दरारें आ रही हैं, विद्यालय भवन जर्जर हो रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों की जान को भी खतरा हो सकता है। इतना ही नहीं, आपको बताते चले कि ब्लास्टिंग से जो प्रदूषण हो रहा है उससे बच्चे तक कुपोषित हो रहे हैं। मिर्जापुर के लालगंज थाना क्षेत्र के धनावल गांव में चल रहे क्रशर प्लांट को लेकर विंध्य सार्थक के नेतृत्व में ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर आरोप लगाया कि यहां पर अवैध ब्लास्टिंग खनन परिवहन किया जा रहा है, जिससे प्रकृति पर्यावरण का दोहन हो रहा है। साथ ही कहा, 3 साल से मानक से ज्यादा ब्लास्टिंग किया जा रहा है। दिन रात सुबह शाम ब्लास्टिंग होने से परिवार में दहशत बना रहता है। यहाँ तक कि कई घरों की दीवारें तक फट चुकी हैं। वहीं विंध्य सार्थक के मालिक ने बताया कि इस समस्या को लेकर जब ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया तो क्रेशर मालिक ने प्रेसवार्ता कर आरोप लगाया कि ग्राम सभा के कोई नहीं थे, इसलिए मजबूरन ग्रामीणों के बीच हमें प्रेसवार्ता करना पड़ रहा है। साथ ही कहा, जब तक इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक ग्रामीण चुप बैठने वाले नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, संतोष कुमार। गांव के ही है और यहां से हम लोग इतना परेशान हो चुके हैं कि रात में अगर हम लोग सो रहे हैं जो, तो रात में एका बैग नींद खुल जा रही है कि क्या आवाज आई, इतना ब्लास्टिंग हो रहा है जो है। घरे सब हमारे यहां सब किसान हैं और बरसात के पहले सब अपना जो है घर किसी तरह बनवाए हैं, सब चूंकि कृषि संबंधित है और सबका घर जो है एकदम जर्जर हो जा रहा है। ब्लास्टिंग से पूरे घर फट जा रहे हैं। सब बालू और सीमेंट की व्यवस्था करके बरसात के पहले, खेती के पहले पहले अपने घर में रहने की व्यवस्था कर रहा है। हर साल की ये व्यवस्था हो गई है कि अपना जो है चूना को छवाएं। हमारा घर छू रहा है जो है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बूढ़े जो बीमार हो रहे हैं, खांसी दमा कभी आया ही नहीं हमारे क्षेत्र में, कभी मच्छर नहीं लगते थे जो है, सब एकदम आ गए हैं, एकदम क्रेशर से सब त्रस्त हो चुके हैं। क्या मांग करते हैं जिला प्रशासन से? हम चाह रहे हैं कि क्रेशर यहाँ से बंद हो जाए, ये क्रेशर हटके और कहीं चली जाए। कितने दिनों से ये क्रेशर चल रहा है? क्रेशर चल रहा है बहुत दिन से, लेकिन ब्लास्टिंग अब बहुत बड़े बड़े अब कराने लगे हैं, क्योंकि इनको कोई बोलने वाला नहीं था। ये हुआ जो है कि अब चल रहा है तो चल रहा है, लेकिन 2 साल से इतने बड़े बड़े ब्लास्टिंग करने लगे जो है। इतना ज्यादा आवाज आ रहा है कि 2-3 किलोमीटर में आवाज आ रहा है इनका, 4 किलोमीटर में। रात में सोते समय आदमी जचक जा रहा है। पानी का लेयर ये पोजीशन है कि टैंकर लगा हुआ है जो है, पानी 4 महीने से जो है, मतलब नवंबर दिसंबर से ही पानी हम लोगों के यहाँ छोड़ने लगता है, जब कभी पानी पीने की अभाव ही नहीं हुआ। रीजन क्या है? रीजन यही है, ब्लास्टिंग हो रहा है जो है, पानी सब उधर बाहर जा, उधर देखिए जो है क्रेशर की तरफ जो है तो पानी का उधर लेयर फूट रहा है, पत्थर फूट रहे हैं जो है, सारा पानी का लेयर उधर ही भाग जा रहा है ब्लास्टिंग से। क्रेशर वाले चौधरी जी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविन्द्रनाथ दुबे जी। अपना परिचय दीजिए जी। मेरा नाम अरुण कुमार दुबे है। जी बताइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, क्या है? प्रेस कॉन्फ्रेंस का मामला ये है कि यहाँ पर अवैध खनन, अवैध ब्लास्टिंग, अवैध परिवहन करके जो यहाँ पे प्रकृति और पर्यावरण का दोहन हो रहा है, इस विषय पर रखा गया, जिसपे सभी गांव वालों ने मिलकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया है। ये ग्राम धनावल है और ग्राम बलहरा है, जहाँ हम लोग बैठे ग्राम धनावल है और सटा बगल में एकदम 10 फीट की दूरी पर ग्राम बलहरा है। कौन मतलब कब से ये समस्या? ये समस्या पिछले 2-3 सालों से लगातार, 3 सालों से लगातार जो ब्लास्टिंग करना इन्होंने मानक से ज्यादा शुरू किया, अवैध ब्लास्टिंग पे ब्लास्टिंग किए जा रहे हैं दिन रात सुबह शाम, जब भी होता है तभी बच्चों के अंदर दहशत है, परिवार के अंदर दहशत है, कई घरें फट चुके हैं, यहाँ पे पानी का स्तर भागता जा रहा है, जीव जंतु जंगल छोड़कर के गांव में पलायन कर रहे हैं। इन सारे मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने डीएम मैडम को भी ज्ञापन दिया, जिसके बाद फिर हम लोगों ने जो है डीएम मैडम को ज्ञापन देने के बाद फिर जो क्रेशर मालिक थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाया कि ये सारे लोग बाहरी थे, ग्राम के कोई लोग नहीं थे, इसलिए हम लोगों ने आप लोगों को इसलिए बुलाया कि आप गांव में आकर के गांव की रियलिटी चेक करें कि गांव की वास्तविक स्थिति क्या है। और गांव के सारे लोग यहां पर खड़े हैं, हर घरों से एक एक दो दो व्यक्ति खड़े हैं। यहां बगल में यहां से 50 मीटर की दूरी पर एक प्राथमिक विद्यालय है, उस प्राथमिक विद्यालय पूरा जर्जर हो चुका है, कब गिर जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो जर्जर होने का कारण सिर्फ ब्लास्टिंग है, जो हमेशा अवैध ब्लास्टिंग की जा रही है। अभी नई बिल्डिंग बनाई गई है उनके पास में, जो भी जर्जर हो चुकी है, आप चाहें तो जाते समय उसकी एक क्लिप ले सकते हैं। क्रेशर वालों ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो धनावल और बेलहरा के ग्राम प्रधानों ने इस बात को
कहा है कि धरना प्रदर्शन के दौरान में वहाँ पे सिर्फ दो लोग ही गांव के थे, बाकी सब बाहर जी। इसका कंट्रास्ट, इसी बात के खंडन करने के लिए हमने गांव में आप लोगों को कष्ट दिया आने का, गांव में आप लोग चल करके आए इसी बात को दिखाने के लिए कि यहाँ गांव ग्राम बलेरा के पूर्व प्रधान भी बैठे हुए हैं, ग्राम के सभी जमींदार बैठे हुए हैं, ग्राम के सब नागरिक बैठे हैं, और ऐसे लोग बैठे हैं जिनका उस क्रेशर के जद में सबसे नजदीक मकान आता है। उन्होंने ग्राम प्रधान महोदय ने कहा कि पुजारी जी का मकान 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है और इनका मकान, आप लोग भी आए अपनी बाइक का अगर मीटर भी ऑन करके जाएंगे तो देखेंगे 500-600 मीटर की दूरी पर इनका मकान है और पुजारी जी का पूरा मकान जर्जर हो चुका है, गिरने की स्थिति में आ गया है। यहीं पास में 200-300 मीटर की दूरी पर एक खंभा, एक कुआं है, जो कुआं भट गया, उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, वह भी उस ब्लास्टिंग के कारण था, उसी गांव की क्षति हुई, तो गांव के लोग क्यों नहीं रहेंगे। ग्राम प्रधान महोदय ने जो भी कहा वह राजनीति से प्रेरित होकर के या उनके संबंधों से प्रेरित होकर के उन्होंने जो भी वक्तव्य दिया वो जनता से कहीं मैच नहीं करता, क्योंकि आपके सामने जनता खड़ी, कोई एक व्यक्ति नहीं खड़ा है। और जो भी प्रतिनिधि यह दावा करता है कि मैं उस व्यवसायी का साथ दूंगा जो प्रकृति का दोहन कर रहा है, प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है, वो यह न भूले कि उसको फिर से जनता में ही लौट करके आना है, और वोट जो देगा वो यही जनता देगी जो यहां से पीड़ित है। तो अपने जनप्रतिनिधियों को भी यह समझना चाहिए कि हम किसके लिए क्या किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। आप भी यहाँ पे व्यवसाय करते? मैं यहाँ व्यवसाय कर रहा हूँ, मेरे पास उद्यम आधार यहाँ का एड्रेस है, मैं यहाँ का निवासी हूँ, उद्यम आधार मेरे पास आईडी है, मेरा व्यापार चल रहा है यहाँ पे, मुझे पूरा बोलने का अधिकार है, क्योंकि मेरे दो दो स्विमिंग पूल फट गए हैं इनके क्रेशर ब्लास्टिंग की वजह से, जो मैंने दो दो बार कास्ट करा है, आप किसी से पूछ सकते हैं, यहाँ के लोकल मिस्त्री लेबरों ने दो दो बार उसको तोड़ा है और बनाया है। तो जो विपक्षियों ने जो आरोप आप पे लगाया है या जो धरना प्रदर्शन लगाया, तो इसके बारे में अब आप क्या कहना चाहेंगे, आप क्या चाह रहे हैं इस मामले में? देखिए, विपक्षियों का काम ये है, वो अपने जो 10-20 साल से जिसको कमाने का, प्रकृति का शोषण करके कमाने की आदत है, वो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि 1,50,000 रुपए के लिए इन्होंने किया हुआ है। मैं उनको उन महोदय को दिखा दूं, कभी फुर्सत में मिले तो मैं दिखा दूं कि मेरी सिवाय फाउंडेशन ट्रस्ट चलती है, हम लोग 1-1.5 लाख रुपए महीने का गौओं को चारा खिलाते हैं, प्रकृति का संरक्षण करने में हम लोग लगे रहते हैं। हम लोग वो व्यापारी नहीं है कि प्रकृति का और पर्यावरण का शोषण करके पैसे कमाएं, हम लोग प्रकृति को सुधारने, संवारने और घर बनाकर लोगों को देने का कार्य करते हैं, हम लोग प्रकृति को उखाड़ने का कार्य नहीं करते।